हेलो एंड वेलकम और स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज आपसे मुलाकात हो रही है कुछ जानकारी साझा करने के लिए और खुशखबरी भी, लेकिन साथ ही चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े भी। मैं बात कर रही हूं कोरोना वायरस को लेकर, और कोरोना वायरस के आंकड़ों में जिस तरीके की तेज़ी लगातार रिकॉर्ड की जा रही है, जो बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, सेकेंड वेव हिट होने की बात की जा रही है, वो जाहिर बात है अपने आप में चिंताजनक है। लेकिन उसके साथ एक खुशखबरी ये है जिसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि बहुत जल्द हो सकता है कि जो तीसरा टीका है रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी, उसके इमरजेंसी यूसेज को यानी कि आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी ज़रूर मिल जाए। और उसके लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है जो ये बैठक करती है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी आम दिनों में इस तरीके की बैठकें करती रहती है, जो अप्रूवल्स होते हैं, पेंडिंग होते हैं, उनको लेकर विचार विमर्श ये कमेटी करती है और एक्सपर्ट्स की ये टीम होती है। तो आज ये लोग बैठक करेंगे और स्पुतनिक वी को, जो कि रशियन वैक्सीन है, उसे परमिशन दी जाए या नहीं इमरजेंसी इस्तेमाल को, कि इस पे आज डिस्कशन किया जाएगा। और अगर उसमें यस होता है तो इसका मतलब तीसरी वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए। पहली आप जानते हैं कोविशील्ड को मंजूरी मिल चुकी है, उसके साथ ही कोवैक्सीन है, उसे इमरजेंसी यूसेज के लिए परमिशन मिल चुकी है, और उसके बाद ये तीसरा टीका होगा। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं पूरे देश भर में, ऐसे में अगर तीसरा टीका भी आ जाता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस तीसरे टीके के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी पहले मैं दे देती हूँ। ये डॉक्टर रेड्डीज़ की लेबोरेटरी है जिसने अप्लाई किया था कमेटी में कि इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के को अप्रूवल दिया जाए। और इमरजेंसी इस्तेमाल के साथ साथ स्पुतनिक वी जैसे ही मार्केट में आएगी तो जाहिर बात है कि दो डोज वाली है स्पुतनिक वी, जो कि लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। सबसे पहली चीज़, एक तो ज़ीरो डे पर यानी कि जिस दिन आपको पहली डोज दी जाएगी उसके ठीक 21वें दिन स्पुतनिक वी की दूसरी खुराक आपको मिलेगी। इसमें एक चीज़ और है जो आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी इस वैक्सीन को लेने के बाद, उसकी लिमिट्स बताई जा रही हैं 28वें दिन से 42वें दिन के बीच में आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी इस वैक्सीन को लेने के बाद। और उसकी दो डोज कंपलसरी होंगी, पहली 0 डे पे और दूसरी 21वें दिन पे। और मुमकिन है कि इसको जैसे ही परमिशन मिल जाए तो ये हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगी। अब इसमें दो वैक्सीन को पहले ही आपातकालीन मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें ये तीसरी होगी। स्पुतनिक वी को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं कि ये कितनी कारगर है, इसे लेकर कई सवाल भी उठे स्पुतनिक वी को लेके। लेकिन जो पूरा डेटा सबमिट किया गया है इस कमेटी के सामने और जो बाकी रिसर्च भी सामने आई है, जो बाकी डेटा अवेलेबल करवाया गया है, उसमें ये बताया गया है कि इसका जो असर है वो लगभग 91.6% के आसपास बताया जा रहा है। पहले इस बात को लेके काफ़ी संशय था कि जो 60 साल से ऊपर के उम्र के लोग हैं उन पर स्पुतनिक वी उतनी असरदार नहीं है, उनके लिए ये दिक्कत भरी है। लेकिन लगातार WHO की तरफ से और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को लेके जानकारी देते रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, स्पुतनिक वी उतनी ही असरदार है और इसका सक्सेसफुल रेट 91.6% के आसपास बताया जा रहा है। ये इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक तो आज तारीख हो गई है 31, कल से 45 इयर्स प्लस वालों को वैक्सीन देने की शुरुआत होने वाली है भारत देश के अंदर। और दो वैक्सीन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तीसरी वैक्सीन बहुत जल्द अप्रूवल मिलने के बाद अवेलेबल हो जाएगी। तो ऐसे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि जो केसेस बढ़ रहे हैं वो केसेस बहुत चिंताजनक है। आज जो मौत के आंकड़े सामने आए हैं वो इस साल के सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं, और उससे ज़्यादा आंकड़े एक नंबर प्लस दिसंबर के महीने में 2020 में सामने आया था। 355 लोगों की मौत 17 दिसंबर को हुई थी इस महामारी के चलते, और आज जो आंकड़े हैं वो 354 मौत के हैं और संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज का आंकड़ा 53,480 के आसपास बताया जा रहा है, जो जाहिर बात है अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है क्योंकि एक तो लोगों की तरफ से जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, मास्क का इस्तेमाल लोगों ने लगभग कम कर दिया है। इसीलिए लगातार हम आपसे ये भी अपील कर रहे हैं कि एक तो आपको वैक्सीन ज़रूर लेनी है, और अब तो स्पुतनिक वी आ जाएगी तो आपके लिए तीसरी वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इसे लेके आज जो भी फैसला आएगा कमेटी की तरफ से वो भी अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन ये थर्ड वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद आपको ये करना है कि एक तो वैक्सीन आपको ज़रूर से लेनी है, उसमें आप कोई कोताही ना बरते, तीन वैक्सीन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, वैक्सीन के बाद भी जो लगातार हेल्थ मिनिस्ट्री भी कह रही है कि वैक्सीन के बाद भी एक तो जो सुपर स्प्रेडर जोन्स हैं वहाँ से आपको खुद को बचा के रखना है,
जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनका पालन आपको करना है, मास्क का इस्तेमाल आपको करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी आपको बनाए रखनी है, और इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखते हुए हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी है कि हम कोरोना वायरस को हरा दें और उसको किसी भी तरह से अपने ऊपर हावी होने ना दें। लेकिन जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं उसका नतीजा सिर्फ यही एक वजह बनती है कि हम उसको इतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं। रिसर्च साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, रिसर्च वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं, हमारे लिए वैक्सीन्स को अवेलेबल करवा रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेज़ी लाई जाए, और डोर टू डोर वैक्सीनेशन देखिए कब शुरू होता है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि वैक्सीन हर व्यक्ति को अवेलेबल करवाई जाए। फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले ही वैक्सीन दी जा चुकी है, 65+ को, और जिन लोगों को बीमारी है गंभीर उनको भी वैक्सीन दी जा चुकी है। अब 45+ की बारी है और बाकी लोगों के लिए भी तीसरी वैक्सीन जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। तो इसीलिए कोशिश कीजिए, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिए, किसी तरीके की अफवाहों पर आप ध्यान मत दीजिए। पहली, दूसरी, तीसरी वैक्सीन जो भी हमारे लिए अवेलेबल करवाई जा रही है उसको जल्दी से जल्दी लीजिए, और वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए ताकि हम और आप सेफ रह सकें और कोरोना वायरस को मात दे सकें। टेक केयर। We'll be right back.